तो नमस्कार है सभी को मेरी तरफ से। रियल लाइफ ऑफ शशि में आपका स्वागत करती हूँ। सारे त्यौहार अभी आके गए हैं सभी के। आई होप सभी के त्यौहार अच्छे गए होंगे। आई होप कि बाकी आने वाले दिन भी आपके सभी के अच्छे जाएं और सब खुश रहें। और बताएं कैसे हैं आप, और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और क्या क्या जानना चाहते हैं आप ज़रूर बताएं मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन दबाना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और आप मेरी वीडियो देख सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। हाँ जी, तो मिलती हूँ फिर बाद में। हैप्पी भाई दूज मेरी तरफ से आप सभी को। नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं आपसे आमने सामने बात करते। तो आज है भाई दूज और मैंने सोचा कुछ ना कुछ आज तो बात करनी ही चाहिए सभी से। दिवाली के बाद धनतेरस, दिवाली सब विश कर दिया था मैंने, तो भाई दूज बाकी था। तो हैप्पी भाई दूज और विश्वकर्मा लेकर चला गया है। आज सोच रही हूँ कुछ भाई दूज के मौके पे जो अपने भाइयों को पसंद था। अभी तो बात हो रही थी खाने पीने की कि भाइयों को क्या पसंद है। मेरे पास यहाँ मुंबई में भाई तो है नहीं, सारे भाई पंजाब में हैं और बहुत दूर हैं। बहुत टाइम हो गया है हम लोगों को साथ बैठे हुए। और भाइयों को पहले तो मेरे हाथ की चीज़ें बहुत पसंद आती थी, और आई होप कि अभी भी वो लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, उनको याद करके आज बना रही हूँ और खिला दूंगी बेटे को। और कुछ थोड़ी अलग सी डिफरेंट सी रेसिपी बना दूंगी। हाँ जी, देखिए आ चुकी हूँ अपनी रसोई में, अपने किचन में आ चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा चेंज लगेगा आपको, बहुत दिनों बाद मेरी रसोई देख रहे हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं किया है मैंने, और शॉपिंग भी बताई नहीं है आपको, थोड़ी बहुत ही की है, वो सब आप बीच में देख लेंगे। ये रेंटेड हाउस है तो इनको ऐसे ही होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकते हैं अपन, ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। सो देखिए फिर आज क्या बनाती हूँ। आलू ऑल टाइम सबके फेवरेट होते हैं, तो आज बन रही है एक डिफरेंट सी रेसिपी, क्रिस्पी पोटैटोज। तो वो मैं बना रही हूँ, आप देखिए वो किस टाइप से बना रही हूँ। उनके लिए मैं पंचिंग के लिए थोड़ा सा ले रही हूँ लाल मिर्च, आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं लाल वाली थोड़ा, और चार गार्लिक क्लोव, लहसुन लिया है चार, और थोड़ा सा धनिया लिया है, और मैंने 400 ग्राम पोटैटो लिए हैं, 400 ग्राम आलू लिए हैं, और ये कॉर्न स्टार्च लिया है, कॉर्न फ्लोर यानी कि लूँगी इसमें से, और ये राइस फ्लोर लिया है, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, पोटैटो, चिली, गार्लिक और धनिया, ये सब लिया है मैंने। हाँ जी, तो सबसे पहले आलू छील लेती हूँ मैं, सारे आलू छील लेती हूँ। आलू छीलने के बाद वॉश कर लूँगी कट करके, और मैंने पतीले में पानी रखा है, बॉईल कर लेंगे आलू को। अभी स्लाइसेस में कट कर लूंगी इनको। आलू कट हो गए हैं, पानी बॉयल हो रहा है, हाँ तो यहाँ बना रही हूँ डिप। उसके लिए मैंने ये दही लिया है, एक कटोरी दही लिया है, और अभी ये चिली इसको कट कर दूँगी।
शिमला मिर्च भी ले सकते हैं रेड कलर की। मैं थोड़ा पंची बना रही हूँ तीखा अच्छा टेस्टी लगने के लिए, तो ये मैं मिर्च कर रही हूँ। थोड़ा सा धनिया, आलू देख लेते हैं। बॉयल हो चुके हैं ये, आलू छान लेते हैं, ये ठंडा कर लेते हैं इसको। पैन रख दिया है मैंने, अभी डिप बना लेते हैं। और मैं डालूंगी थोड़ा ऑयल, तेल डाला है कोई भी डाल सकते हैं, राइस ब्रैन डाल सकते हैं, वेजिटेबल कोई भी ऑयल चलेगा इसमें। गरम होने देती हूँ, ये लहसुन को मैंने बारीक क्रश कर लिया है, थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, वो भी डाल देंगे। आप चाहें तो पंचिंग के लिए इसमें चिली फ्लेक्स भी थोड़े डाल सकते हैं। ये देखिए मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ थोड़े से, बस इतना ही करना है, बंद कर दिया है मैंने। मैंने कर्ड रखा था उसमें, अभी ये देखिए ये डाल लेती हूँ। थोड़ा धनिया डाल लेंगे, लास्ट पंच है इसमें ये मेयोनीज, मेयोनीज डाल रही हूँ मैं एक स्पून, एक चम्मच भर के मेयोनीज डाल रही हूँ, इससे इसमें टेस्ट भी आ जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सॉल्ट डाल सकते हैं, इसे मेयोनीज में होता ही है। और ये देखिए ये अपना डिप रेडी हो गया है। ये आलू ठंडे हो चुके हैं, अब इनको मैश कर लेती हूँ। काफ़ी यहाँ पे काफ़ी हीट बनी हुई है, थोड़ा सफोकेशन बनी हुई है मुंबई में, ऐसा लगता है क्लाउडी लेकिन बारिश नहीं आ रही है यहाँ। ये करके फिर आपको दिखाती हूँ, एकदम स्मूथ करने हैं हमें।
ये देखिए एकदम नीट हो गया है, ये पूरा निकल गया है। इसको रख देते हैं अभी। ये देखिए ऐसे सारा उतार दूंगी। ये करने से कि लम्स नहीं रहेंगे कोई भी, इतना नीट कर लेना है हमें इसको। जल्दी से हो जाता है, बस आलू पके होने चाहिए अच्छे से। कर लिया हमने, अभी डो बना लेते हैं। ये देखिए ये है कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर। इसको एक चम्मच डालूँ, एक थोड़ा सा, और ये चावल का आटा राइस फ्लोर, ये दो चम्मच डालूँगी। ये है पिसी हुई चीनी शुगर, इसको आधा चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको बना लेती हूँ। गरम आलू गरम हो तभी कॉर्नफ्लोर नहीं डालिए, ना ही राइस फ्लोर डालिए, वरना क्रिस्पी नहीं रहेंगे। से अभी नीट कर लेती हूँ, एकदम अच्छा वाला बन गया है ये। ये देखिए एकदम बढ़िया वाला रेडी हो गया है ये। ये देखिए थोड़ी देर कवर करके रख देती हूँ। तो देखिए अभी आटे को, इसको 10 मिनट हो गए हैं, अभी इसको बना लेते हैं। एकदम स्मूथ है ये। देखिए मैंने ऐसे बना लिया है इसको। अभी ऑयल मैंने रखा हुआ है हीट पे, अभी देखिए ये मैंने डाल दिया है इसको स्लो पे। देखिए ये हो गए हैं अभी, और इनको निकाल लेती हूँ। देखिए आवाज़ इनकी क्रिस्पी है बहुत, एकदम बढ़िया। देखिए बन चुकी है रेसिपी मेरी क्रिस्पी पोटैटोस, और अभी खाने जा रही हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ कैसे हैं, और नवजीत को पूछती हूँ कैसा है बना हुआ है, और खा लेती हूँ। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल रियल लाइफ ऑफ शशि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करें, कमेंट भी करें कि आपको कैसे लग रहा है, और मिलती हूँ फिर बाद में थोड़ी देर में। थैंक यू। कैसे बना है पोटैटो क्रिस्पी टेस्ट? बहुत स्वाद है रियली।
नो सॉल्ट ना, ठीक है मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। और बताइए आप भी बना के मुझे ज़रूर बताइए, पिक्चर भी सेंड कीजिए कि क्या आपको कैसी लगी रेसिपी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और आप बना के ज़रूर खाएंगे। ओके तो बाय बाय।